नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है और धुंध लगातार घनी होती जा रही है। तस्वीरें सोलन की, और सोलन में तो जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बरसात तो नामात्र की सोलन शहर में बरस रही है। और पिछले दो तीन दिनों से यदि हम देखें तो सोलन में तो सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में बीच बीच में हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन बरसात के मौसम में सामान्य से कम बारिश होना हिमाचल प्रदेश में इस बात का परिचायक है कि प्रदेश अब सूखे की चपेट में, भयंकर सूखे का सामना हिमाचल प्रदेश कर रहा है। मानसून के सीजन में इस तरह का मौसम पहली बार देखने को मिला है। मौसम विभाग की ओर से पिछले कल भी येलो अलर्ट जारी किया गया था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। पिछले कल प्रदेश में सामान्य से करीब 45% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। ऊना और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के लगभग 10 जिलों के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र सूखा ही अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, यानी सूखे जैसे हालात ही वहाँ पर बने रहे। बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश ना होने की बारिश नहीं हुई। और स्थिति ये होगी है कि प्रदेश में पिछले कल जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 45% कम बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। नॉर्मल से 45% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले कल रिकॉर्ड की गई है। 9.6 मिलीमीटर बारिश सामान्य है, लेकिन प्रदेश में 5.3 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो धरातल पर खरे उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और मानसून हिमाचल प्रदेश में अब कमज़ोर पड़ गया है। हालांकि जब से मानसून हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, तब से यहां पर कमज़ोर पड़ा हुआ है। सुरेंद्र मामटा जी बता रहे हैं कि हमारे यहां हर रोज़ बारिश हो रही है, और कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर हर रोज़ बारिश हो रही है, और कुछ एक जगह ऐसी है जहां हर रोज़ धूप खिल रही है और बारिश का वहां पर इंतज़ार हो रहा है। मामटा जी चौपाल से हैं और वहां की वो जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र मामटा जी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र, अब तो अधिकांश क्षेत्र ऐसे ही है जहाँ पर पिछले दो तीन दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है, उसमें सोलन भी शामिल है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौसम बारिश का जरूर बनता है, लेकिन आसमान से राहत की बूंदें बरसने का नाम नहीं ले रही है। और इस तरह की स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है, और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का जो बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य से कम इसीलिए आ रहा है कि प्रदेश के, अब राजपूत बबल जी भी बता रहे हैं कि मंडी में भी रात को बारिश हुई है। पता नहीं, राजपूत बबल जी कुछ बता रहे हैं, महेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंजार का मौसम ठीक है, राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे यहाँ सुरेंद्र मामटा जी की तरफ से आई जानकारी, और भाग से में भी बारिश हो रही है, कुलदीप ठाकुर जी की तरफ से आया। राजपूत बब्बल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप ठाकुर जी, रणबीर सिंह जी, चंद्र देव थापा जी जुड़े हैं, तो बंसीलाल जी और अशोक जी बता रहे हैं कीमूलाना अम्बाला में भी सूखा पड़ा हुआ है। मंडी में भी रात को बारिश हो रही है, दिन को होनी चाहिए, इस तरह की राजपूत बब्बल जी बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो रात को भी बारिश नहीं हो रही है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले कल बिलासपुर जिला में सामान्य से 50% कम, और चंबा में सामान्य से 41% कम, चंबा के बाद हमीरपुर में सामान्य से 47% कम, कांगड़ा में सामान्य से 45% कम, और किन्नौर में सामान्य से 46% कम, लाहौल स्पीति में सामान्य से 51% कम, लाहौल स्पीति में सामान्य से 100% कम, मंडी में सामान्य से 45% कम, शिमला में सामान्य से 8% कम, यानी शिमला में बारिश कल ठीक ठाक हुई है, शिमला जिला में। सिरमौर में सामान्य से 71% कम,
सोलन में सामान्य से 67% कम और ऊना में सामान्य से करीब 100% कम बारिश हुई है। हो सकता है कि एक आधी जगह में ऊना जिला में बारिश हुई हो, जिसकी मौसम विभाग को भी जानकारी ना हो। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है कि इन जिलों के कई कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। तो इस तरह का मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आ रहा है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, तो इस तरह का मौसम तो प्रदेश में बना हुआ। कुछ एक जगहों पर प्रतिदिन बारिश हो रही है, कई जगहों पर डेली बारिश हो रही है, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है वो बारिश के लिए तरस रहे हैं। और यही वजह है कि किसान भी परेशान है, बागवान भी परेशान है। और हिमाचल प्रदेश में छः दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी 1 अगस्त तक प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें शिमला है, सोलन है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, कांगड़ा है, सिरमौर है और मंडी जिला शामिल है। जो जिले शामिल नहीं उनमें चंबा है और लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और कुल्लू जिला है, जहां पर इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जारी नहीं किया गया है। लेकिन बरसात है, बरसात में बारिश कहीं भी हो सकती है। लेकिन इस बार जिस तरह का मौसम बना हुआ है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे की चपेट में है और उस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार बारिश का हिमाचल प्रदेश में तो फिलहाल बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन प्रदेश के कुछ एक जगहों पर जमकर मेघ बरस रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं भी हिमाचल प्रदेश में सामने आई है। सबसे पहले अर्की में बादल फटने का मामला सामने आता जून के आखिरी सप्ताह में गंबर पुल के पास बादल फटा था। उसके बाद पांवटा साहिब में, मंडी जिला में भी आ चुका है, पिछले दिनों मनाली में भी बादल फटा है। और अभी तक मॉनसून सीजन में यदि हम नुकसान की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर भी बारिश हुई है वहां पर जमकर मेघ बरसे हैं और उसकी वजह से करीब 390 करोड़ रुपये की संपत्ति का अभी तक नुकसान हिमाचल प्रदेश में आंका गया है। मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं उसके वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि 390 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी हो चाहे निजी हो, लोक निर्माण विभाग को ही अभी तक 157 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कों को नुकसान जो हुआ है, राज्य में भारी बारिश के कारण 14 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर बारिश हुई है वहां पर बारिश तबाही लाई है, जबकि 73 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान अभी तक हो चुका है। आज के मुकाबले कल हिमाचल प्रदेश की 390 करोड़ रुपये का अभी तक नुकसान। और झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में यदि आंकड़े देखे जाएं तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह की बारिश हुई है तो सामान्य से 30% कम बारिश पिछले एक सप्ताह में हुई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में बारिश में कुछ एक क्षेत्रों में अधिक हुई है। तो यही वजह है कि जो एक सप्ताह के जो आंकड़े पिछले काफ़ी समय से 30 और 40 के बीच में चल रहे थे अब वो 30% तक पहुंच गए हैं। ये मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं 19 जुलाई से लेकर और 26 जुलाई के बीच के, यानी पिछले कल तक के हैं। बिलासपुर में सामान्य बारिश हुई है एक सप्ताह में। बिलासपुर की बात करें तो सामान्य से थोड़ी सी ऊपर बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर बिलासपुर के कुछ एक क्षेत्रों में जमकर इस दौरान मेघ बरसे हैं और यही वजह है कि ओवरऑल जिले का जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में सामने आया है वो 64.3 का है। और नॉर्मल जो बारिश एक सप्ताह में बिलासपुर ज़िले के लिए मौसम विभाग के अनुसार है वो 64 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 64.3 मिलीलीटर वहाँ पर बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से करीब 33% कम बारिश हुई, जो हिमाचल प्रदेश में 30% का आंकड़ा सामान्य से कम का है वो चंबा जिला में वो भी बढ़कर है।
हमीरपुर में भी पिछले एक सप्ताह में मौसम विभाग के अनुसार कुछ एक जगहों पर जमकर मेघ बरस रहे हैं, और यही वजह है कि हमीरपुर का जो सामान्य का अब हालांकि हुई तो वहां पर भी सामान्य से कम बारिश है, लेकिन सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। कांगड़ा जिला में आजकल बारिश हो रही है कुछ एक जगहों पर, और यही वजह है कि कांगड़ा जिला का जो बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य से 14% अधिक है। 171.7 मिलीलीटर वहाँ पर बारिश हुई है, जो सामान्य है वो 150.8 मिलीलीटर है। किन्नौर में सामान्य से 68% कम बारिश हुई है, और कुल्लू जिला में सामान्य से करीब 26% बारिश कम हुई है। हालांकि मनाली में बादल भी फटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुल्लू जिला में सामान्य से कम बारिश का आंकलन हुआ है कि सामान्य से करीब 26% कम बारिश कुल्लू जिला में हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल्लू जिला में इस बार जो बादल है वो कम बरस रहे हैं। लाहौल स्पीति में सामान्य से 95% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है। शिमला जिला में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 49% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 68% कम बारिश हुई है, 43% कम बारिश हुई है। सोलन में 68% कम बारिश हुई है, और ऊना जिला में सामान्य से करीब 66% कम बारिश ऊना जिला में रिकॉर्ड की गई है। तो प्रदेश में यदि हम देखें तो सूखे जैसे हालात ही है, जिस तरह का आंकड़ा है, और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट है उनका हम आपको एक बार फिर से जानकारी देंगे। बिलासपुर जिला उसमें शामिल है, जहां पर आज बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा वहां पर बताई गई है कि येलो अलर्ट है, हैवी रेन हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना, कुछ एक जगहों पर रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस और वेरी लाइकली, इस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि आइसोलेटेड शब्द अब जरूर जोड़ा जा रहा है कि ताकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। चंबा जिला में हालांकि लाइट टू मॉडरेट रेन होने की कई स्थानों पर संभावना मैनी प्लेसेस इस तरह की है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट चंबा के लिए नहीं है। हमीरपुर जिला की बात करें तो हमीरपुर जिला में मौसम विभाग की ओर से हैवी रेन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस और कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि पूरे जिला में नहीं बल्कि कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कांगड़ा जिला को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, और वहां पर भी कुछ एक जगहों पर हैवी रेन की संभावना, हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, इस तरह का मौसम विभाग का वहां का भी आंकलन है। किन्नौर को लेकर लाइट टू मॉडरेट रेन एट फ्यू प्लेसेस, कुछ एक जगहों पर वहां पर किन्नौर जिला में बारिश हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। कुल्लू जिला के लिए भी यही स्थिति है कि लाइट टू मॉडरेट रेन एट मैनी प्लेसेस, अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा आज के लिए बताई गई है, लेकिन अलर्ट कोई नहीं है। मंडी लाहौल स्पीति जिला के लिए भी लाइट टू मॉडरेट रेन एट फ्यू प्लेसेस, लेकिन ये अलर्ट कोई नहीं है। मंडी जिला में हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, जहां के लिए येलो अलर्ट है, वहां पर मौसम विभाग की ओर से आइसोलेटेड प्लेसेस यानी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। और शिमला जिला में भी हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, वहां के लिए भी येलो अलर्ट है। सिरमौर जिला, सोलन और ऊना जिला के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और इंदु अंजरानी जी का भी मैसेज आया है कि शिमला में धुंध इस वक्त छाई हुई है, तो उनका स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी, कब तक होगी बारिश? मौसम विभाग के द्वारा तो रोज ही बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन हमने बताया कि पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि भारी बारिश हो सकती है, और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ था, लेकिन बारिश हुई सामान्य से 45% कम। शिमला में धुंध छाई है, इंदु अंजरानी जी का यह मैसेज आया, तो हमारा
जितने भी पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं तो उनसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि शिमला में धुंध है और ज़्यादातर शोघी और शिमला के बीच का जो पैच है वहाँ पर धुंध बहुत घनी होती है और विजिबिलिटी का समस्या का वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन चालक वहाँ पर आराम से अपने वाहन चलाएं। और आजकल दिन के समय सोलन में बहुत गर्मी पड़ रही है जी, मुकेश गुप्ता जी की तरफ से यह जानकारी है, क्योंकि सोलन में तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, सोलन में बारिश हो नहीं रही है। इंजीनियर मोइन शेख जी, कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल जी। सागर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रमजान परलोटा जी, इंदुर अंजरानी जी, सुरजीत जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी भी जुड़े हैं, अनूप जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनलाल जी बता रहे शिकारी देवी के निचले इलाकों में कल शाम को हल्की बारिश हुई है, और भुवनेश्वर शर्मा जी ढुमैर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है, अजय ठाकुर जी जुड़े हैं, राकेश सैनी जी हमारे साथ। ऊना में बारिश नहीं हो रही है, ऊना के तो आंकड़े हमने बताई है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और कल भी वहां पर ऊना जिला में जिस तरह का मौसम विभाग का आंकड़ा है कि ऊना में कल भी बारिश नहीं हुई है। राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कमला शर्मा जी अधीक्षक DC ऑफिस और महिला कर्मचारी संघ के प्रधान भी है, वो बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतराम नेगी जी, राजगढ़ में मौसम कुछ ख़राब है, राजगढ़ के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोहन शेख जी बता रहे हैं कि नेरवा चौपाल में बारिश नहीं हो रही है और रोडों की बहुत खस्ता हालत है और यह समस्या भी बता रहे हैं। साथ में ठाकुर TC तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मंडी के शिकारी देवी कमरू नाग में आसमान घने बादल से घिरा हुआ है, फिलहाल बारिश नहीं है। दर्शकों को गोकुल ठाकुर जी का नमस्कार है, राधे राधे हैं। जामटा देशराज जी, योगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि देर हैज बीन नो रेन लास्ट 24 आवर, और लेकिन सोलन में तो करीब 36 घंटों से कोई बारिश नहीं हो रही है। आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नैना देवी जी में हो रही है बारिश, रामपाल जी की तरफ से जानकारी है कि नैना देवी में बारिश हो रही है। नरेश खिमटा जी बता रहे हैं कि जुब्बल में सूखा पड़ा है, जितेंद्र जसी गिल जी बता रहे हैं कि कुनिहार में भी सूखा पड़ा है। कुलदीप दुग्गल जी, आज के मौसम की अपडेट हमने बताई है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिन जिलों में अलर्ट नहीं है वहां पर भी कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, लेकिन भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। 1 अगस्त तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन जिस तरह का पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था तो अधिकांश क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात प्रदेश में बने रहे, सामान्य से कम बारिश हुई। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी के बाहर के देख रहे हैं, NH 5 है। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ, मंडी सुंदरनगर में रात को बारिश हुई है जी। दीपक झिंटा जी, कोटखाई में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, कोटखाई की स्थिति भी सोलन जैसी बनी है जहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। और रणजीत चौहान जी, नारकंडा में क्या हाल है, नारकंडा में भी हाल बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का पूरा प्रदेश इस वक्त जूझ रहा है कि सूखे की मार हिमाचल प्रदेश में पड़ी हुई है, जहां पर बारिश हुई, कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है लेकिन अधिकांश क्षेत्र सूखे के सूखे हैं। सिरमौर के धगेड़ा गांव में से लाइव वीडियो देख रहे हैं हमारे राजपूत जगमोहन चौहान जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं, और सोलन की वो तस्वीरें देख रहे हैं, सब्जी मंडी का क्षेत्र है, क्योंकि सोलन की यदि हम बात करें तो सब्जियां बिकने के लिए सोलन सब्जी मंडी ही पहुंचती है, सोलन सब्जी मंडी ये यहाँ है। आप देख सकते हैं कि पिकअप और गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है जो सब्जियां लेकर यहाँ पर आई है। सामने सेब मंडी है, सेब लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने वाहन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आवक अभी सेब की थोड़ी कम है। अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदीप ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका सबका स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी TV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी के पास से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौसम की अपडेट। सोलन में हल्की धुंध छाई हुई है, मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं भारी बारिश को लेकर, लेकिन उस तरह का मौसम बना नहीं है। हालांकि कुछ एक जगहों पर हिमाचल प्रदेश में जरूर लगातार बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दिन खाली जा रहा है, बारिश जरूर हो रही है, लेकिन चाहे भले ही सामान्य से
कम हो रही है, क्योंकि ओवरऑल आंकड़ा तब पूरे जिले का, क्योंकि पूरे जिले में कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है और अधिकांश क्षेत्र सूखे हैं, तो यही वजह है कि ओवरऑल जो आंकड़ा आ रहा है वो सामान्य से कम का आ रहा है। लेकिन अब बरसात के दिनों में, आजकल के दिनों में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश होती थी, तो सामान्य से अधिक बारिश होती थी, और कुछ एक दिन ऐसे होते थे जहाँ पर जब सामान्य से कम बारिश होती होगी, लेकिन अधिकांश दिनों में सामान्य से अधिक ही बारिश रहती थी, और यही वजह है, और अधिकांश क्षेत्रों में होती थी, कुछ एक क्षेत्रों में नहीं होती थी। लेकिन इस बार मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, उल्टा मौसम चला हुआ है, कुछ एक जगहों पर आज मेघ बरस रहे हैं, कई जगहों पर तो बादल भी फट गए, बादल फटने की घटनाएं भी आई है। अभी तक 390 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, 24 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। इस तरह के आंकड़े बरसात के से जो नुकसान हुआ उस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सूखा है, और कल भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई, सामान्य से 45% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है, जबकि येलो अलर्ट था, आज के लिए भी येलो अलर्ट है, कल के लिए भी येलो अलर्ट है 8 जिलों में। लेकिन जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ के लिए मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वहाँ पर बारिश हो सकती है, और जहाँ हैवी रेन की को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, तो वहाँ के लिए मौसम विभाग का मानना है कि हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर इंतजार ही रहेगा, इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो मौसम के अपडेट में फिलहाल बस इतना ही है कि आज भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, इंतजार बारिश का है। सोलन में भी पिछले कई दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही है, सोलन शहर के आसपास के क्षेत्रों में जरूर बीच बीच में बारिश हो रही है, लेकिन शहर में बारिश नहीं हो रही है, और यही वजह है कि सूखे जैसे हालात सोलन में भी बने हुए हैं। सोलन के तो आंकड़े यदि हम अभी एक सप्ताह के निकालें तब भी सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है, यदि हम पूरे जुलाई महीने के आंकड़े निकालें तब भी सोलन में सामान्य से कम बारिश है, और 1 जून से लेकर और 26 जुलाई तक के भी आंकड़े निकालें तब भी सोलन में कम बारिश हुई है, सामान्य से बहुत कम बारिश, यही स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। यदि 1 जून से लेकर पूरे 26 जुलाई तक के आंकड़े देखें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हुई है, कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और पूरे एरिया की उन्होंने जानकारी दी है कि पट्टाबरावली, सायरी, ममली, स्पाटू, कुसौली, नेरी, बशील और हरिपुर में मौसम इस वक्त साफ है, बादल जरूर वहाँ पर भी छाए हुए हैं। रणजीत सिरमौरी जी, मौसम बहुत ख़राब है, रणजीत सिरमौरी जी जानकारी दे रहे हैं, रामपुर में बारिश नहीं हो रही है जी। और भाग सिंह जानकारी प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से, भागचंद नेगी जी, दीपक छिन्ना जी और कुशल शर्मा जी, दीपक छिन्ना जी, अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और राजपूत जगमोहन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों से आग्रह जितनी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं उतनी संख्या में इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर किया करें। और रणजीत चौहान जी, उम्मीद तो हम करते हैं कि बारिश हो, लेकिन मौसम पर लगता है कि मौसम विभाग का तो वैसे तो चलो उनका तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन उनके पूर्वानुमान पर भी मौसम विभाग का कोई कंट्रोल नहीं रहा है, और पूर्वानुमान भी उनके सही साबित नहीं हो रहे। राजीव जी, राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पिंड मंगलूर में रात को बारिश हुई है जी, पंजाब में भी बारिश हो रही है। ठाकुर निशांत भगवान जी बता रहे हैं, राजपुर में रात को बारिश हुई है। ठाकुर निशांत भगनाल जी की तरफ से जानकारी है। सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गगन शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप लोगों की अपडेट के लिए। आग्रह रहेगा कि अब जल्दी से जल्दी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से जो सूचनाएँ मिली है वो पहुँच सके। धन्यवाद।